हेलो, हम पढ़ते हैं आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल हमने कंडीशंस पढ़ी थी, सेवन कंडीशंस पढ़ी थी आई थिंक, कि ये कंडीशन जरूरी होती हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, हम जानते हैं केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहचानो कि कैसे, कहीं अगर कोई रिएक्शन हो जाए तो कैसे पहचानो कि केमिकल रिएक्शन है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कुछ फीचर्स होंगे, कुछ आइडेंटिफिकेशन होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो हम पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं, देखो भाई, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड बाय चेंजेस दैट आर क्वाइट इजीली ऑब्जर्वेबल। वो कह रहे हैं कुछ केमिकल रिएक्शन तो इतनी इजीली आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं कि ये काफ़ी इजीली ऑब्जर्व हो काफ़ी इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं, यानी काफ़ी इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं। सम ऑफ दीज टिपिकल चेंजेस आर, टिपिकल मतलब डिफिकल्ट नहीं, टिपिकल मतलब जनरल है ना, तो जनरल चेंजेस कौन कौन से हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, मतलब वो कह रहा है कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर गैस प्रोड्यूस होती है। अगर ऐसे चेंजेस, ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है कहीं पर कि उनको रिएक्ट करने को गैस बन रही है, उनको रिएक्ट करने को रिएक्ट बन रही है, तो समझ लो रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और क्या कह रहा है वो, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर। वो कह रहा है जब कभी कभी क्या होता है, जब आप चीज़ों को रिएक्ट कराते हो, चीज़ों को कंबाइन करते हो, जब वो चीज़ आपस में रिएक्ट करती है, उनके तो कलर ही चेंज हो जाते हैं, कभी कभी उनके कलर ही चेंज हो जाते हैं। तो जब रिएक्शन करने पर कलर चेंज हो गया सब्सटेंसेस का, जो नया प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का कलर ही चेंज है, डिफरेंट है रिएक्टेंट से। तो इसका मतलब है कि हाँ, ये जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कभी कभी कुछ ना सॉल्व होने वाले यानी इनसॉल्युबल, कभी कभी ना ना डिजोल्व होने वाले इनसॉल्युबल, कभी वो सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, उसको परसेप्टेशन बोलते हैं। अगर जब कभी आपने कुछ चीज़ें आपस में रिएक्ट की, दो रिएक्टर्स को रिएक्ट कराया, और उनको रिएक्ट कराने के बाद ऐसे कुछ सब्सटेंस फॉर्म होती है, तो समझ लो जो रिएक्शन हुआ है ये भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज ऑफ स्टेट, अगर रिएक्ट करने पर दो सब्सटेंसेस की स्टेट चेंज हो रही है ना, लिक्विड से लिक्विड से गैस बन गए, गैस से लिक्विड बन गए, लिक्विड से अगर सॉलिड बन गए, सॉलिड से तो लिक्विड बन गए, या तो सॉलिड से गैस बन गए, कुछ भी हो सकता है, तो समझ लीजिए जो रिएक्शन होता है ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इनको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। तो पहला कह रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस, इन मैनी केमिकल चेंजेस, इन मैनी केमिकल रिएक्शंस, ये एवरी वन नहीं कह रहा, एवरी केमिकल रिएक्शन नहीं कह रहा, मैंने ये बोला एवरी कुछ कुछ में। ठीक है, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ पर गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो कह रहा है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में निकल रहा है, प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में निकल रहा है, तो समझ लो वहाँ जो रिएक्शन हुआ है वो केमिकल रिएक्शन हुआ है, वहाँ जो रिएक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब जिंक रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट सल्फ्यूर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं आपस में, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो हाइड्रोजन गैस गैस क्या डिजोल्व हुआ, क्या सॉरी क्या प्रोड्यूस हुआ, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया गैस। तो यानी कि ये जो चेंज हुआ है, ये जो रिएक्शन जो हुआ है, ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन है। सर यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एफर्वेसेंस, एफर्वेसेंस क्या होता है इसका मीनिंग, द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल, द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल, रिएक्शन के दौरान लिक्विड के अंदर जो बबल बनते हैं, जो गैस के बबल्स बनते हैं, उनको बोलते हैं एफर्वेसेंस, एफर्वेसेंस। ठीक है, इन द रिएक्शन गिवन अब ऊपर के जो रिएक्शन दिए हुए हैं, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज अ लिक्विड, इनमें ऐसे कुछ एक ना एक सब्सटेंस लिक्विड है ही है, ये वाला ये लिक्विड है, ऊपर वाले में ये वाला, ये भी लिक्विड है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लिक्विड है ये। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कैल्शियम कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है कि गैस है, और वहाँ पे बबल्स भी हो रहे हैं विद एफर्वेसेंस, एफर्वेसेंस मतलब ये बबल्स के साथ, बबल्स के साथ। ठीक है, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर वाला पढ़ते हैं।
certain chemical reactions are categorized as characterized by a change in the color of reactants. वो कह रहे हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट्स के कलर में चेंज होने से भी आइडेंटिफाई किया जा सकते हैं. एग्जाम्पल दे रहा है, वेन अ फ्यू पीसेज ऑफ आयरन आर ड्रॉप्ड इनटू ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट. जब कुछ पीसेस आयरन के हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, तो सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर होता है वो हल्का हो जाता है एंड इवेंचुअली टर्न्स इनटू लाइट ग्रीन. अब वो लाइट ग्रीन चेंज हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन जाता है फेरस सल्फेट. तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, कलर क्या हो गया, चेंज हो गए. तो यहाँ पर भी चेंज हो, जो यहाँ पर भी रिएक्शन हुआ है वो कैसे हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है. दूसरा एग्जाम्पल जो बॉडी में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू अ पीस ऑफ कॉपर वगैरह. जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो हम ऐड करते हैं किसी पीस ऑफ कॉपर में, तो एक ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है, जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं. कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है. तो ये जो कलर चेंज हुआ ये भी किसके रिएक्शन की बात है. फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेटेड, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मीनिंग आपको समझाई दिया. व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द सोडियम टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. जब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से मिक्स करते हैं, तो एक वाइट कलर का एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं इसको. तो एक नया एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया. इसको भी बोलेंगे तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन है ना. एग्जाम्पल को दिया हुआ, व्हेन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अ डर्टी ग्रीन पर्सिपिटेट ऑफ फेरस सल्फेट इज फॉर्म. यहां पे भी बन गया आपका ग्रीन पर्सिपिटेट. तो ये भी क्या हो गया था, केमिकल रिएक्शन. चेंज ऑफ स्टेट इन मैनी केमिकल रिएक्शन चेंज ऑफ स्टेट इज ऑब्जर्व. कहते हैं काफी केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट का चेंज होना भी ऑब्जर्व किया जाता है. अ रिएक्शन माइट स्टार्ट विद गैसेस और लिक्विड रिएक्टेंट्स. वो क्या, एक रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकता है गैस और लिक्विड रिएक्टेंट, वो लिक्विड रिएक्टेंट्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं. एंड अप विद सॉलिड प्रोडक्ट्स, लेकिन उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो सॉलिड प्रोडक्ट ही होगा, फिर वैसे वैसे बिल्कुल उल्टा होगा. ऐसे केस में बेसिकली हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन ही बोलेंगे. एग्जाम्पल दे रहे अमोनिया गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड. अमोनिया गैस है लेकिन वो किसके साथ, गैस के साथ वो रिएक्ट कर रही है लिक्विड का, और इससे क्या बना, सोडियम ना सॉलिड बना, सोडियम ना सॉलिड बना. स्टेट तो बिल्कुल डिफर हो गई, स्टेट तो बिल्कुल डिफर हो गई. तो ये भी आपका रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन हुआ आपका, केमिकल रिएक्शन हुआ. तो दूसरा कह रहा है कार्बन जो कि सॉलिड है एंड सल्फर बोथ सॉलिड, दोनों ही सॉलिड है, तो इनको हीट किया था, टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डिसल्फाइड जो कि क्या है, लिक्विड है. देखो सॉलिड से, सॉलिड से क्या बना, लिक्विड. यानी स्टेट डिफरेंट है, इनकी फॉर्म डिफरेंट है. तो ये जो रिएक्शन है इसको भी क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, आपकी एक्सेस टू ए तो कंप्लीट हो गई, इसका होमवर्क ट्राई करना.